आर्पिटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए आपके लिए लेकर आ चुके हैं एकदम कमाल की ताजा खबरें। काफी ज्यादा मेहनत करते हैं हम आप सबके लिए खबर चुन चुन के लाने में। थोड़ा सा आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट को दिखाते हुए, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। भाई गूगल का जो ये पिक्सल टैबलेट आने वाला है, जो कि गूगल आईओ इवेंट में लॉन्च होने वाला है, कहा जा रहा है कि ये जो टैबलेट है वो एक्सीडेंटली अमेजोन पर लिस्ट हो चुका था, बाद में अमेजोन ने उसे निकाल दिया। और ये जो टैबलेट है जिसमें 10.95 इंच की एक एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जी हाँ 1600G2 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी, 8 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह करना हो उसके लिए। और ये टैबलेट कहा जा रहा है कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस 48,500 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। और कहा जा रहा है कि ये जो टैबलेट है वो 20 जून से सेल पर जाने वाला है। अब खैर देखते हैं कि ये जो टैबलेट इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, ये तो मैं गूगल के आईओ में पता चल ही जाएगा। आप एक्साइटेड हो गूगल के यही पिक्सल टैबलेट को लेकर? क्या सोचे आप किसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताइए। नोकिया की बात करते हैं, काफी टाइम के बाद खबरों में आया हुआ है नोकिया का एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है नोकिया XR21। और ये जो स्मार्टफोन आएगा नोकिया का, वो कहा जा रहा है एकदम रकेट स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ था कि जिसमें हमें आईपी रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। पर अब बताया जा रहा है IP69 के रेटिंग होने वाली है। पर एक्सपर्ट का कहना ये है कि ये पहला ही ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें इस तरीके की रेटिंग देखने को मिल जाती है। और ये रेटिंग वाला जो स्मार्टफोन होता है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, डस्ट टेस्ट में, वाटर रेसिस्टेंट टेस्ट में या फिर ड्रॉप टेस्ट में, जी हाँ यानी सर्वाइव कर लेता है हर एक तरीके से, तो काफी अच्छी बात है। वैसे नोकिया के स्मार्टफोन ज्यादा कॉस्टली होते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, वीवो ओप्पो से भी ज्यादा महंगे होते हैं। अब देखते हैं कि नोकिया का ये जो नया स्मार्टफोन है इसे कितनी जल्दी लॉन्च किया जाता है, किस कीमत पे, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, लावा की बात करते हुए, जब ब्रांड्स अच्छा काम करती है ना, स्पेशली हमारी इंडियन ब्रांड्स, तो तारीफ करने में कोई भी बुराई नहीं है। जी हाँ, लावा का एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, लावा अग्नि 2, जो कि कहा जा रहा है under 20,000 रुपीज में लॉन्च होने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। और ये स्मार्टफोन भारत का पहला सा स्मार्टफोन बन जाता है जिसमें हमें MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है जिसके स्पेक्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, जी हाँ। और अब एक और डिटेल्स निकल कर सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें हमें प्रीमियम ग्लास बैक देखने को मिल जाएगा। लावा का काफी टाइम के बाद कोई एक ऐसा स्मार्टफोन आ रहा है जिसमें हमें ग्लास बैक देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, लावा की एक पैरेंट कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था जोलो, शायद उसका एक कोई स्मार्टफोन था जिसमें हमें ग्लास बैक देखने को मिला था। अब लावा का ये स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें हमें ये देखने को मिल जाएगा, ये काफी अच्छी बात है वैसे। और ये जो स्मार्टफोन है कहा जा रहा है मई में लॉन्च होने वाला है, यानी इसी महीने में। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, कितनी ही जल्दी, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Xiaomi की बात करते हैं, Xiaomi का एक नया स्मार्टफोन, एक बजट किंग आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसका नाम होगा Redmi 12। और ये जो स्मार्टफोन है वो कहा जा रहा है under 10,000 रुपीज में लॉन्च हो सकता है बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है जिसने अपना IMDS सबमिशन भी क्लियर कर लिया है, यानी लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन इसे किस कीमत पर, कितनी जल्दी लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Realme की बात करते हुए, Realme 11 Pro Plus ये जो स्मार्टफोन आने वाला है जिसकी पूरी की पूरी स्पेक्स निकलकर बाहर आ चुकी है लॉन्चिंग से पहले ही। जी हाँ, कहा जा रहा है ये जो स्मार्टफोन आएगा जिसमें हमें 6.7 इंच के एक FHD+ कर्व्ड OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट की भयंकर ताकत देखने को मिल जाएगी, 200+8+2 megapixel का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 32 megapixel फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, 5000mAh बैटरी, 100W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, कहा जा रहा है अप टू 16GB रैम होगी एंड 1TB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो कहा जा रहा है under 30,000 रुपीज में लॉन्च हो सकता है। और ये जो वेरियंट है वो हमें under 30,000 रुपीज में भी देखने को मिल जाता है, तो काफी बेहतरीन बात हो जाएगी। मेरे हिसाब से अभी कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो हमें इस प्राइस पॉइंट पर 1TB स्टोरेज देता हो एक स्मार्टफोन में, तो काफी अच्छी बात है। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये स्मार्टफोन की प्राइस को लेकर, आप एक्साइटेड हो या नहीं, क्या सोचे आप किसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताइए।
मोटोरोला का एक नया स्मार्टफोन मोटोरोला रेजर 40 अल्ट्रा जो कि बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन है वो कहा जा रहा है HDR10+ सर्टिफाइड होने वाला है, तो ये वैसे काफी अच्छी बात है। अब देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, कितनी ही जल्दी, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, एप्पल की बात करें तो एप्पल की जो आईफोन 15 सीरीज लाइनअप आने वाली है सितंबर में, जी हाँ, जिसके लिए काफी ज्यादा लोग रुके हुए। अब कहा जा रहा है कि जो एप्पल की आईफोन 16 सीरीज की लाइनअप आएगी, जिसमें हमें आईफोन 15 के जो प्रो मॉडल्स होने वाले हैं उससे भी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 16 के प्रो मॉडल्स में। जी हाँ, ऐसी कुछ खबर निकल के आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू रोशियू, उनके अनुसार कहा जा रहा है कि आईफोन 15 सीरीज के जो प्रो मॉडल्स होने वाले हैं, यानी कि आईफोन 15 प्रो मैक्स, जिसमें हमें 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, पर आने वाले आईफोन 16 सीरीज जो लाइनअप होगी, जिसमें जो प्रो मॉडल होगा आईफोन 16 प्रो मैक्स, जिसमें कहा जा रहा है कि 6.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अब खैर, देखते हैं कि भाई आईफोन 15 सीरीज ही पहले कितनी जल्दी देखने को मिल जाती है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, व्हाट्सएप की बात करते हैं, व्हाट्सएप लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ नए अपडेट्स लाता रहता है। अब व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसका नाम होने वाला है एडिट फीचर। जी हाँ, और ये जो फीचर है वो किस तरीके से काम करेगा, अगर आपने सपोज किसी को मैसेज किया हुआ है इंडिविजुअल चाहे ग्रुप में, तो ये जो मैसेज है वो 15 मिनट के विंडो के अंदर रहता है, और अगर आप ये मैसेज को दोबारा से एडिट करके सेंड करना चाहते हो तो आप जरूर से कर पाओगे। यही कुछ नया फीचर देखने को मिलने वाला है, और ये जो नया फीचर है एडिट फीचर, ये बहुत ही जल्दी सभी नॉर्मल यूजर्स के लिए रोल आउट होने वाला है। आपको ये फीचर कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल है या नहीं, क्या सोचा आप इसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताइए। काम के दिल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए एक पावर बैंक, वो भी कम कीमत में, वो भी बेहतरीन ब्रांड की, तो ये जो डील है आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। तो सिस्का के ओर से आने वाली एक पावर बैंक जो कि 10,000 mAh की है, और ये जो पावर बैंक है वो फिलहाल बेहतरीन कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रही है। और यही पावर बैंक की अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए तो 18W का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जी हाँ, ट्रिपल आउटपुट पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। और ये जो पावर बैंक है जिसमें हमें 6 मंथ की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, ड्यूरेबिलिटी काफी बेहतरीन है ये पावर बैंक की, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ये जो पावर बैंक, इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये भी आपको Amazon पर देखने को मिल जाएगी सिर्फ 799 रुपए में, काफी बेहतरीन डील है। वैसे अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, तो उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, GTA 6, जी हाँ, आप खबरें आना शुरू हो जाएगी क्योंकि 17 तारीख नजदीक है। कहा जा रहा है कि इसी तारीख को रॉकस्टार कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है ये गेम को लेकर, शायद टीजर या फिर शायद ट्रेलर या फिर ये जो गेम हो कब रिलीज होने वाली है इसकी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि भाई GTA 6 ये जो गेम आएगी इसका मैप जो कंसेप्ट मैप वो निकल कर बाहर आ चुका है। इस बार कहा जा रहा है कि भाई GTA 6 गेम में वाइस सिटी भी इंक्लूडिंग होने वाला है, जिसके वजह से GTA 5 से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा मैप होने वाला है GTA 6 का। अब ये खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये गेम को खेलने के लिए। आप GTA 6 को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, क्या सोचे आप इसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताइए। तो बस आज की टेक्निक यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।